अच्छा भाई, सब लोग आ जाएं तो मैं आगे बात करूं। अच्छा, क्वेश्चन मैंने थोड़ी चेंजिंग की है, मैंने गलत लिख दिया था, आप जरा उसको सही कर लें, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट दे के आपसे करवाता हूँ ये सवाल। क्वेश्चन के शुरू में थोड़ी सी चेंजिंग की है मैंने, वो सब लोग कर लें। हाँ भाई, सब लोगों ने चेंजिंग कर ली है। तो मैं आपको क्या सिखा रहा था कि जहाँ पे आपके पास वैल्यूज गिवन ना हो, रिलेशन गिवन हो, वहां पे आप पहली वैल्यू को लेट करके दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। आप सवाल मैंने जो सही कर लिया, उसके बाद अब मैं डेटा बना रहा हूँ। सवाल कह रहा है गैस इज प्रेजेंट एट 1.92 एटमोसफेयर, ये प्रेशर दिया हुआ, एटमोसफेयर प्रेशर होता है। तो आपको P1 की वैल्यू पता है 1.92 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो बॉयज लॉ में होता है, मैंने आपको बता दिया। आगे वो कह रहा है फाइंड दी प्रेशर, यानी दूसरा प्रेशर निकालना है, एट विच वॉल्यूम बिकम ट्वाइस। इसका मतलब है आपको ना V1 पता है ना V2 पता है, सब मेरे साथ है यहाँ पर, ना आपको P1 पता है, आपको P2 निकालना है। ये तो सवाल में दिख रहा है, ना V1 पता है ना V2 पता है, पर इसका रिलेशन पता है। सवाल कह रहा है फाइंड दी प्रेशर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम ट्वाइस, यानी आपको ये बताना है। जो लोग अभी लेट आए हैं वो क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन में थोड़ी चेंजिंग की है शुरू में, वरना वो गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो सवाल कह रहा है फाइंड द प्रेशर एट विच वॉल्यूम बिकम ट्वाइस, यानी आपको V1 V2 नहीं पता, लेकिन आपको उनका रिलेशन पता है। तो मैंने ये कहा कि जब भी ऐसा हो तो आप V1 लेट करो और V2 उसके जरिए निकाल लो, और लेट हमेशा सिंबल करो, वैल्यू नहीं करो, लेट हमेशा करेंगे सिंबल, जो सिंबल आपको अच्छा लगता है। किताब का स्टाइल है कि वो एक्स लेट करती है, मेरी आपको एडवाइस है कि आप भी एक्स लेट करें, पर अगर आपको कोई और सिंबल भी लेट करना है तो मसला नहीं है। तो आपने V1 को एक्स लेट किया, और अगर आपने V1 को एक्स लेट किया तो V2 उसका ट्वाइस हो रहा है, तो ट्वाइस होने का मतलब है 2x हो जाएगा। अगर V2 में लिखा होता कि 3 टाइम हो जाएगा तो 3x हो जाता, अगर लिखता कि वॉल्यूम 4 टाइम हो जाएगा तो 4x हो जाता, समझ लें अच्छे से समझ लें। अगर लिखा होता 5 टाइम हो जाएगा तो 5x हो जाता, अगर लिखा होता 2 टाइम डिक्रीज, ये भी सुन ले, अगर लिखा होता 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो x अपॉन 2 हो जाता, अगर लिखा होता 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो x अपॉन 3 हो जाता, यानी कि इंक्रीज में मल्टीप्लाई करें, डिक्रीज में डिवाइड करें। अगर 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो 2x, 3 टाइम इंक्रीज होता 3x, 4 टाइम इंक्रीज होता 4x, 5 टाइम इंक्रीज होता 5x। इसी तरह अगर 2 टाइम डिक्रीज होगा x अपॉन 2, 3 टाइम डिक्रीज होगा x अपॉन 3, 4 टाइम डिग्रीज होगा x अपॉन 4। मैंने तफसील से आपको बता दिया है। अब ये डेटा कंप्लीट हो गया है, फॉर्मूला लगाए, सॉल्व करें, मुझे आंसर बताएं। शाबाश, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर लें। नहीं रहा मैं स्क्वायर नहीं होगा, जो बताया वो करें। अब आइंदा अगर ऐसा सवाल आया और आप नहीं बना पाए, गड़बड़ हो जाएगी, लिहाजा आप एक दफा में तवज्जो से सीख लिया आपने कि ना इनिशियल वैल्यू पता है ना फाइनल पता है, रिलेशन पता है। तो इनिशियल वाले को एक्सलेट कर लिया, उसके थ्रू फाइनल निकालना है, कभी मल्टीप्लाई करना है, कभी डिवाइड। इंक्रीज हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई, डिक्रीज हो रहा होगा तो डिवाइड। अब आपके पास चार्ज लॉ का टाइम नहीं बचा, इस सवाल का आंसर देंगे तो मैं लेक्चर एंड कर लूंगा, और कल इंशाल्लाह हम चार्ज दो पढ़ेंगे, रेगुलर रहना है, छुट्टी नहीं करनी किसी। जो इस सवाल का आंसर बताता जाए वो छुट्टी करता जाए। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ एक्स से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। है बड़ा हलवा सवाल, जो खास बात थी सवाल की वो मैंने बता दिया। जो यूनिट P1 का होगा भाई वो यूनिट P2 का होगा। चैट बॉक्स पे आंसर लिखते जाएं, पूरे 16 के 16 लोगों से आंसर चाहिए मुझे।
किसी को प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन करें भले, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आंसर कंफर्म करें सब। यूनिट एटीएम होगा क्योंकि जो यूनिट T1 का है वही P2 का होगा। जी जी यूनिट एटीएम होगा। निशा अफजाल ने आंसर लिख दिया, ये सही आंसर है। जिन लोगों का भी ये आंसर आ रहा है वो गुड है, जिनका ये आंसर नहीं आ रहा काइंडली मुझे अपना मसला बताएं। तो जिन लोगों का आंसर आ गया उनसे अल्लाह हाफिज है, वो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। चार्ज लो के लिए टाइम पे आएंगे, रेगुलर रहना है, तो फिजिकल क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं इंशाल्लाह। और जिनका आंसर नहीं आ रहा काइंडली मुझसे पूछ लें क्यों नहीं आ रहा, अभी तक बहुत से लोगों ने आंसर नहीं शेयर किया है। चले भाई, आई होप कि सबका आंसर आ गया क्योंकि क्वेश्चन कोई नहीं आया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबका आंसर 0.96 ATM आ गया। कल इंशाल्लाह बात करते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल बात करेंगे।